और आप लोग मुझसे पूछते हो कि आप दिन में कितनी कोल्ड कॉफी पीते हो? Cheers. Oh my God, you scared me. Don't you think to lose weight like all other ladies? Good morning and hello my happy faces. Welcome to my channel. It's Father's Day today. और हमारा थोड़ा प्लान कैंसिल हो गया. मेरे अपने फादर से मिलना था. Unfortunately, मम्मा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है. थोड़ा उनको कोल्ड का फीवर टाइप हो रहा है, वायरल टाइप. तो फिर वी थॉट कि यू नो इट मेक्स सेंस टू जस्ट प्लान इट. वी थॉट दैट इट मेक्स सेंस टू जस्ट यू नो कैंसिल दिस प्लान एंड डेफर इट फॉर द नेक्स्ट वीक. पापा के लिए कुकीज भी मैंने देनी थी उनको, कि मेरे पास एक कुकीज आई हुई थी बहुत यम्मी सी जो मैं दिखाऊंगी. अब लगता है कि हम ही खाएंगे वो कुकीज. इट्स अ न्यू डे. द वेदर सिंस लाइक टू डेज हैज़ बीन सो अमेजिंग. बारिश हो रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है. तो अभी भी मैंने खिड़की खोली हुई है अपने कमरे की और इतनी मस्त हवा आ रही है. तो आज का दिन जो है वो शुरुआत करते हैं. अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. दीदी इज मेकिंग लाइक उत्पम ओट्स और सूजी वाला, और वो बिल्कुल पिज्जा टाइप फीलिंग लग रही है. लुक्स रियली नाइस एंड एकदम मस्त पिज्जा टाइप फील आ रही है. ऑनेस्टली मतलब आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, मतलब ऐसे लग रहा है कि यार मतलब बालकनी में बैठ के जो कोल्ड कॉफी पीने का मजा आएगा ना आज वो करेंगे. पहले हमारा प्लान था कि हम लोग 12:30 के करीब तक निकल जाएंगे घर से, क्योंकि हमारे को 2:30 पहुंचना था. देयर वाज रेस्टोरेंट, वी हैड अ बुकिंग देयर, बट अब क्योंकि वो कैंसिल हो गया तो अब हम घर पे ही हैं पूरे दिन. तो अब थोड़ा टाइम है मेरे पास. मेरे को एक शूट भी करना था तो मैं अभी भी करूँगी. पहले मैं नाश्ता करूँगी, थोड़ा चिल मारूंगी, फिर नहाने जाऊँगी, बाल सुखाऊंगी, तैयार होंगी और फिर शूट करूँगी और फिर उसको एडिट करूँगी, क्योंकि मुझे भेजना भी है ब्रांड को. बट यार लाइक द वेदर इज सो अमेजिंग टुडे. सो वी आर गोना डू दैट एंड उसके बाद वील सी वॉट इट डज. एंड आई जस्ट गॉट समबडी हू इज लुकिंग एट मी एंड मेकिंग द वीडियो. बट या ब्लॉगिंग लाइक दिस इज द वे करके एंड देन दिस गर्ल इन द नेक्स्ट बालकनी ऊपर वॉज लाइक जस्ट स्टेयरिंग एट मी एंड आई जस्ट प्रिटेंडेड टू ब्लॉग बिकॉज आई फेल्ट सो एम्बैरस्ड. अब उसको क्या पता यार कि ये हैप्पी फेस फैमिली है जो मुझे ब्लॉग्स देखती है. कोई बात नहीं, काफ़ी एम्बैरसिंग था. बट अब मैं वापस आ गई अंदर, ऐसे कि मैं निपुन से बात कर रही थी गप मारते हुए. दिस इज निपुन्स ब्रेकफास्ट. ओट्स, सूजी और दही, उन सब का मिक्सचर है. और ऊपर जो है सब्जी है, पनीर, कैबेज, कैप्सिकम, टमेटो, अनियन. माई नाश्ता इज हियर. ये वही उत्पम है जो मैं बता रही हूँ तब से. चटनी दीदी ने आज फ्रेश फ्रेश बनाई है. और वैसे तो मैंने 2 बॉइल्ड एग खाने थे बट ये साइज देख के मुझे लग रहा है कि मैं एक ही खा पाऊंगी. तो इतना ही प्रोटीन लेते हैं और बाकी ये इन्जॉय करते हैं आज. एंड साथ में हु इज़ वॉचिंग यूट्यूब और हैप्पी फेस, तो साथ में यूट्यूब देखूंगी. और अब क्योंकि प्लान कैंसिल हो गया तो थोड़ा चिल भी मार लेंगे. और राइट, थोड़ी सी मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा चलो विली मारने से अच्छा है थोड़ा काम कर लेते हैं. आई जस्ट गॉट अप, टुक अ शावर, ऑल्सो वॉश माई हेयर टुडे. तो काफी सही हो गया मेरे हेयर बोटॉक्स के बाद. आप लोगों ने मेरे कुछ कुछ जो भी मिनी व्लॉग्स है उसमें देख लिया होगा कि मेरे बाल इतने अनमैनेजेबल थे पहले और अब कितने इतने मस्त मैनेजेबल हो गए कि मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता है. तो मैं बस अपने बालों को ना नेचुरली एयर ड्राई करूंगी. पहले मैं ड्रायर यूज करती थी, फिर मैं ब्लो ब्रश यूज करती थी, बट अब मैं इसको नेचुरली जो है सूखने दूंगी. हाँ, मैं शैम्पू वगैरह जो है वो जो सैलून वालों ने रिकमेंड किया था वो यूज कर रही हूँ, सल्फेट फ्री केविन मर्फी का. आज क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है तो कोल्ड कॉफी तो बनती है. और आप लोग मुझसे पूछते हो आप दिन में कितनी कोल्ड कॉफी पीते हो यार, उनसे पूछो तो जिनमें कितनी सारी चाय पीते हैं. मैं तो बेचारी एक सिर्फ एक कोल्ड कॉफी पीती हूँ दिन में. दिस इज द ओनली कैफीन इनटेक इन माय एंटायर डे इज जस्ट दिस वन कोल्ड कॉफी दैट आई हैव. तो मैं आ गई हूँ किचन में. ऑल वांटेड माय कोल्ड कॉफी रेसिपी, जो बहुत ही मुश्किल रेसिपी है. बिल्कुल भी नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, लाइक इट्स सो इजी. बट यू ऑल वांटेड टू सी हाउ आई मेक my cold coffee. So I have already uploaded a shots जो कि इधर आपको दिख रहा है छोटू मोटू सा, तो वो आप जाके देख लो और उसमें कोल्ड कॉफी की रेसिपी मिल जाएगी. तो ये है दूध. आई यूजली यूज टोन्ड दूध कि अमूल का आता है या मदर डेरी का, मेरी ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं है. बट मैं मिल्क बास्केट से मंगवाती हूँ, तो जो मिल जाए जब अवेलेबल हो तो मैं वो मंगवा लेती हूँ. बट अभी रिसेंटली लाइक सिर्फ 2-3 दिन से मैंने शिफ्ट करा है डबल टोन दूध पे, जिसपे मलाई बिल्कुल नहीं है. तो पता नहीं मैं मक्खन कैसे निकालूंगी, बट चलो कोई बात नहीं. अभी मैं इस वाले दूध से बनाती हूँ कोल्ड कॉफी. और ये मेरी मिक्सी, ये मेरी नालसा वाली मिक्सी है, तो यही मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ. तो मैं थोड़ा सा पानी से निकालती हूँ और फिर इसमें दूध डालती हूँ. मेरी आवाज गूंज रही है वैसे. वैसे तो ऑब्वियसली आप किसी भी ग्लास में पी सकते हो कोल्ड कॉफी, बट मेरे को ये जो बियर मग है ना, इसमें कोल्ड कॉफी पीने में बड़ा मजा आता है. तो मैं इस पर डालती हूँ. मुझे लग रहा है दूध ना पूरा ही पड़ जाएगा, मतलब कि इतना ही है दूध, खत्म ही है. तो पूरा ही बना देते हैं, पूरा यूज कर देते हैं, क्योंकि निपुन सुबह चाय पी चुका है. बट अभी वो कोल्ड कॉफी पिएगा थोड़ी सी, क्योंकि कंपनी. तो ये जा रहा है 2 ग्लास दूध. आज की कॉफी है मेरी नेस्कैफे गोल्ड ब्लेंड. ये मैंने अमेज़न से मंगवाई थी, कुछ 700-800 रुपए की थी, बट ये बहुत बड़ा क्वांटिटी आती है. थोड़ी मतलब मुझे कम फ्लेवरफुल लगती है, बट क्योंकि निपुन ज्यादा स्ट्रांग नहीं पीता तो इसलिए मैं आज ही यूज कर रही हूँ. अदरवाइज मैं इम्पल्स कॉफीज की जैसे हेजलनट हो गया, रेसबेरी हो गया, वो सारे फ्लेवर्स यूज करती हूँ. तो मैं इसमें ना 2 ग्लास डालने वाली हूँ, क्योंकि मैं 2 कप दूध बना
दो कप, मैं दो बियर ग्लास कोल्ड कॉफी बना रही हूँ, तो मैं दो चम्मच भर के कॉफी डालने वाली हूँ। एक्चुअली थोड़ा कम डालूंगी क्योंकि निपुन को इतनी स्ट्रॉन्ग पसंद नहीं है कॉफी, एंड क्योंकि आज वीकेंड है वैसे तो मैं कोल्ड कॉफी में चीनी वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, बट ये कोकोनट शुगर है जो एक ब्रांड खीरा फूड्स करके एक ब्रांड है इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मुझे काफी सारी चीजें भेजी है जैसे कि एवोकाडो ऑयल, कोकोनट ऑयल विद एवोकाडो ऑयल, और काफी सैलड वाले ऑयल्स भेजे हैं उन्होंने तो, और ये भी साथ में उन्होंने कोकोनट शुगर भेजी है तो मैं ये यूज कर रही हूँ। जो स्वीटनेस आती ही आती है इससे, तो मैंने एक आधा बार इससे ना डिजर्ट्स भी बनाई हुई है, तो मैं एक चम्मच डाल रही हूँ कोकोनट शुगर। जो बर्फ होती है ना वो मैं इसी टाइम पे डालती हूँ, मैं बाद में नहीं डालती, तो अभी मैं कुछ तीन बर्फ डालती हूँ एक कोल्ड कॉफी में, तो मैं छह बर्फ डालने वाली हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी बार सोचा है कि ये जो इसका ये कवर है मैं उतार दूँ क्योंकि वीडियो में इतना भेड़ा सा लगता है, बट ना हो पाया। ए बन गई कोल्ड कॉफी, और अभी इतनी सारी बच गई क्योंकि ये झाग आ जाती है ना, तो जब भी थोड़ी सी झाग कम हो जाएगी तब मैं जाके और देकर आऊंगी निपुन को और अपने आप को भी, बट फिलहाल के लिए चीयर्स। और ये आदमी जो सुबह से, ये मेरी है, फर्क क्या है? वो मैं पी चुकी हूँ, ये तुम्हारी है। नहीं मेरी है। नहीं नहीं मैं उसमें से सिप, मेरी झूठी है तो? मेरी झूठी है वो, छी छी झूठी, व्हाई स्ट्रांग सेम है यार। Cheers. I was looking at you. और ये आदमी संडे के दिन ऑफिस का काम कर रहे हैं, उफ कितना मजा आता है देख के। मैं जा रही हूँ चिल मारने, आप काम कर सकते हैं। I have just put on some makeup because मुझे भी थोड़ा सा शूट करना था तो मैं वो करने वाली हूँ, बट उससे पहले कोल्ड कॉफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, like we need to prioritize our cold coffee over everything in life. Along with this, I thought that let me just read some of the weird comments that I get. I don't want anybody else to just say shit about me, my channel or anything at all. So yeah, I do have, and I think every YouTuber, because this is a functionality that is for YouTubers, also for their mental health. So we do have some keywords and stuff like that that have, you know, we keep so that the comments are filtered. We just don't want this on our channel. So I thought ki un ajeeb se jo log hain jo apne muh se pata nahi kya kya bol dete hain, kyunki mujhe aisa lagta hai matlab I like, even if I don't like anybody, I would never go on their channel and really comment something mean, ugly or something that is not with good intention. Like it's just not me. And uske sath sath matlab it's not just mean comments, some are funny comments also, some are like curious comments also. So I'm gonna read out and you know just like chit chat through them. Okay, now some of the comments that, you know, are just inevitable because of who I am and who I put on my social media is moti, ya fir kitna khaoge fat jaoge, bol rahe hain moti, like moti. I don't know wo kya problem hai mujhse ya fir mere weight se, but aap apne kaam pe dhyan de please, fat shaming na kare to acha hai, please spread positivity, the world is, you know, filled with everything which may let a person down mentally, physically, you know, so don't do that, you know, just don't do that. Kumar bol rahe hai, don't you think to lose weight like all other ladies, matlab koi challenge hai kya ya fir koi competition hai kya, koi race hai kya ki agar wo patli hai to main bhi patli hu, agar baki sab mote hai to main bhi moti hungi, matlab ye kya kya hai, kya hai, kya ye na puch rahi hai ki I have one doubt, when you enter into office why nobody seen, and in every video you are saying late ho gaye, late ho gaye. Ab iska ye, this is obviously not a like a mean comment or a hate comment or anything, it's just like a curious comment that I mentioned. So basically hai kya ki main aur nipun jo hai wo office saath mein jate hain, main late isliye hoti hu kyunki nipun ko pahunchna hota hai 10:30 baje office, mere ko nahi pahunchna hota, to kyunki jab main saath mein jati hu uske to wo meri wajah se late ho jata hai, aur isliye hamari badi ladaiyan hoti hai jab hum subah subah nikal rahe hote hain, but fir main usko bolti hu ki please ek video le le, chal gussa hai koi baat nahi, but meri ek video le le mere shorts ke liye, main late nahi hoti hu, nipun late hota hai. Aur also aap log office mein zyada log isliye nahi dekhte ho kyunki main logo ko leti नहीं हूँ, लाइक आई एम इन अ कॉर्पोरेट जोन राइट, तो ऐसा नहीं है कि मैं सबको पूरी वीडियो में ले लूँ, इट्स ऑब्वियसली ऑल अबाउट द प्रिवेसी ऑल्सो, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की वीडियो बिना पूछे बनाऊ उससे, तो मैं सिर्फ अपना ही सेक्शन शूट करती हूँ. ओ माय गॉड यू स्केर्ड मी, तो
मैं सिर्फ अपना ही सेक्शन शूट करती हूँ, और वो भी मैं तब शूट करती हूँ मोस्टली जब मैं बिल्कुल ऑफिस पहुँचती हूँ, और वो मैं पूरा मतलब क्योंकि जब मैं ऑफिस में काम स्टार्ट कर देती हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं होता है लिटरली लाइक वीडियोस बनाने का, बस वो थोड़ा बहुत खाने वाने का दिखा दिया, थोड़ा जब ब्रेक पे हो तब बना दिया, बट मोस्टली यार काम करते हैं, मतलब इट्स नॉट दैट आई एम मेकिंग वीडियो थ्रू आउट द डे इन ऑफिस, नो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई वर्क माय एस ऑफ टू यू नो बी हियर एंड अचीव व्हाट आई हैव अचीव्ड हियर, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. सो या दिस इज इंटरेस्टिंग, मैंने एक वीडियो लगाई थी कि इन लॉज आए हैं घर पे, तो बहु टेस्ट था कि पास और फेल, एंड ऑब्वियसली लाइक इट्स नॉट लाइक लिटरली मैं बोल रही हूँ बहु टेस्ट पास फेल, इट्स जस्ट दैट जस्ट थोड़ा फन एलिमेंट क्रिएट करने के लिए. वैसे मैं बहुत कम ऐसे क्लिक बेट थंबनेल्स यूज करती हूँ, बट कभी कभी टाइटल्स वगैरह में थोड़ा कैची करने के लिए बना देती हूँ. तो मम्मा पापा आए थे निपुण के, और ऐसा नहीं है कि मैं बहु बहु ट्रीट करे जाती हूँ. तेजा ने बोला है कि व्हाई फीमेल वैलिडेशन नीडेड एंड व्हाई इज इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वुमन टू सर्व द पीपल एट देयर प्लेस, योर पार्टनर हैज जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सेट एन एग्जाम्पल. अगर आपने मेरे थोड़े से भी व्लॉग्स देखे होंगे या फिर आप मुझे थोड़े से भी टाइम से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, इनफैक्ट इसका बिल्कुल ऑपोजिट है. मेरा पति भी उतना ही काम करता है जितना मैं करती हूँ, मेरे फादर इन लॉ भी उतना ही काम करते हैं घर पे जितना मेरी मम्मी करती है. इनफैक्ट मेरे फादर इन लॉ रियली लाइक्स कुकिंग, उनका अपना यूट्यूब का चैनल भी है, एंड वो मतलब सोच रहे हैं कि वो वीडियोज बनाए खाने वाने की. सो ही डज ऑल द कुकिंग मोस्टली, लाइक दिन में मम्मा खाना बनाते हैं और रात में पापा खाना बनाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है. इनफैक्ट जिस तरीके से निपुण का भी चाइल्डहुड है, सो बचपन से ही उनको आदत है कि वो अपना काम खुद करें, और अभी भी हम जब घर पे होते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सेट है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल डिवाइडेड है कि ये मैं कर रही हूँ ये निपुण कर रहा है, तो अगर वो कोई चीज कर रहा है तो वो पूरा करता है, अगर मैं वो चीज कर रही हूँ तो मैं वो पूरा करती हूँ. तो जरूरी नहीं है कि मतलब आप एकदम से ऐसे अज्यूम कर लो कि भाई यू नो फीमेल ही काम कर रही है और आदमी तो बिल्कुल राजाओं की तरह बैठे हैं, ऐसा नहीं है. आप मेरे बाकी सारे व्लॉग्स देखो और आपको फिर समझ आ जाएगा कि क्या रियलिटी है. ओके अच्छा, मैंने अपनी ससुराल वाली शॉर्ट्स लगाई थी और फिर मैंने मायके वाली शॉर्ट्स लगाई थी, तो वो बोल रहे हैं आई थिंक नो टू इंटरफेयर विद दिस बट वाई सो पार्शियल बिहेवियर इन मायका एंड ससुराल, आई हैव सीन बोथ द शॉर्ट्स. हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही पार्शियल हूँ मैं बिल्कुल अपने इन-लॉज को प्यार नहीं करती हूँ और बस मेरे मायके वाले ही हैं. इसका भी अगर आप लोग देखते हो मेरे व्लॉग्स पहले से तो आपको पता होगा कि मेरे जो इन-लॉज हैं वो बहुत ही सिंपल लिविंग वाले हैं, मतलब कि उनको अगर मैं राजमा हैवी या फिर हैवी शाही पनीर या हैवी दाल खिलाऊं तो उनको वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो उनको ज्यादा पसंद है कि मैं मूंग धुरी दाल उनको बना के खिलाऊं या फिर यू नो प्लेन सिंपल खाना खिलाऊं. तो इसीलिए जब वो लोग आए थे घर पे, और ऑब्वियसली मेरे मम्मा पापा सिर्फ लंच के लिए आए थे, वो लोग रहे नहीं थे घर पे, और जो निपुण के मम्मा पापा थे वो रहने के लिए आए थे, तो दोपहर का खाना भी था, फिर डिनर भी था, फिर अगले दिन का ब्रेकफास्ट भी था, तो बहुत सारा हमने मेन्यू सेट करके रखा हुआ था. तो हम चाहते थे कि सारे मील्स जो है ना वो लाइट लाइट हो, बहुत हैवी हैवी ना हो. तो इसीलिए जब निपुण के मम्मा पापा आए थे तो हमने बहुत लाइट, तब भी खैर इनफैक्ट छोले बनाए थे हमने, रायता था, सैलेड था, बट काफी लाइट टर्म्स में था, और मिर्ची कम एंड ऑल दैट, मसाला कम एंड ऑल दैट. और जब मेरे मम्मा पापा आए थे तो क्योंकि मतलब वो लोग खा लेते हैं, उनके मतलब मम्मा के घर पे मतलब वो थोड़ा यू नो एक्स्ट्रा थोड़ा नमक वमक और ये सब चीज़ें स्पाइसी और वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर लेते हैं, तो उनको उस तरीके से मैंने इसलिए खाना बना के खिलाया था. तो ऐसी कोई पार्शियलिटी नहीं है, मेरे मम्मा के यहाँ पे मतलब पाव भाजी और ये सब चीज़ें बनती रहती हैं जो कि मेरे इन लॉज के यहाँ पे नहीं बनती हैं. तो ये एक फ़र्क है लाइफ स्टाइल में, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन एंड आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट दैट फैक्ट. सो इसीलिए मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं है. बोल रही हैं इतना हेल्दी खाने के बाद भी फटी जा रही हो, मतलब मैं कुछ भी खा लूं मतलब मैं क्या भूखी मर जाऊं फिर मैं क्या सूख जाऊंगी, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा ना, तो प्लीज जस्ट जिप इट. मां बोल रही है इतना हेल्दी खाने के बाद भी ऐसा ओवरवेट, हा 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 हा, स्माइली है उनके. कह रही है आई डोंट सी एनी यूज ऑफ वर्कआउट. यार वर्कआउट जो है वो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं एक दिन मैंने वर्कआउट करा मैं पतली हो गई. गेमिंग भी बोल रहे हैं इतना हेल्दी खाने खाने के बाद भी अनहेल्दी हो, मतलब मेरे वेट के ऊपर और मेरी फिजिकल अपियरेंस के ऊपर मेरे पास इतने कॉमेंट्स है ना जो मेरे हेल्थ फॉर रिव्यू है. डू नॉट माइंड देयर ओन बिजनेस एंड नॉट टॉक अबाउट पीपल्स अपियरेंस, हाउ दे लुक, हाउ दे प्रॉब्ली वुड हैव गेन्ड वेट, what has led to their, you know, मतलब क्या उनको mentally if they're not feeling fine. I'm not just talking about me, but I'm just talking about people in general. You can't just go to somebody and just comment on their weight that, oh, you have gained weight. Even skinny shaming is shaming, even fat shaming is body shaming. So please, like, अगर मतलब मेरा ना इसीलिए मन भी नहीं करता कभी कभी व्हाट आई ईट इन अ डे वाली वीडियोस लगाने का, क्योंकि जितनी बार भी मैं व्हाट आई ईट इन अ डे वाली वीडियोस लगाती हूँ ना तो इतने कई कई लोग हैं जो इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं ना. अच्छे कमेंट्स आते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल ऑफ दीज आर बैड कमेंट्स, लाइक 90% ऑफ द कमेंट्स दैट आई गेट ऑन माय चैनल व्हिच आई एम रियली हैप्पी एंड लकी अबाउट आर लाइक गुड,
यू नो हैप्पी पॉजिटिव कॉमेंट्स, बट देन वो जो 10% वाले लोग हैं, 10% भी नहीं बोलूंगी मैं, शायद उससे भी कम है, बट वो जो है वो वीडियोज वो कॉमेंट्स देख के मेरा मतलब मुझे बड़ा बुरा लगता है. और जब मैं सुबह उठती हूँ मैं कॉमेंट्स देखती हूँ या फिर मैं रात को सोने से पहले कॉमेंट्स देखती हूँ, तो इट्स जस्ट नॉट अ गुड फीलिंग. आई ट्राई टू इग्नोर देम एज मच एज पॉसिबल. क्रिएटर वन बोल रहे हैं यार ये बताओ कि इतना वर्कआउट करने के बाद इफ डाइट इज नॉट कंट्रोल एंड वन पार्टी इज एट द एंड ऑफ द डे इन एवरी व्लॉग एंड टू ऐड इट टू इट्स सिटिंग जॉब विल नॉट पुट अ सीवियर हेल्थ रिस्क इन फ्यूचर. अब मैं मानती हूँ कि चलो क्या पता आपने ये जेन्युइन कंसर्न के साथ किया हो, बट आपको क्या पता कि मैं दिन में कितना खाती हूँ या मैं दिन में कितना चलती हूँ या फिर मैं दिन में क्या क्या करती हूँ. आप जो देखते हो वो सिर्फ एक 7 या 8 मिनट का व्लॉग है, और खैर वो भी क्या, शॉर्ट्स तो 1 मिनट का होता है. अब उसमें मैं कितना खा रही हूँ, और अगर मैं एक सिटिंग जॉब भी कर रही हूँ तो मैं मुझे पता है कि मैं अगर बीच बीच में चलती हूँ नहीं चलती हूँ जो भी करती हूँ, मतलब आई ऑनेस्टली डोंट फील लाइक आई नीड टू जस्टिफाई इट. बट देन Even if I go partying at night, like how the hell is it your concern? Like I work my ass off, so I want ki Fridays ko I go out somewhere or probably I order in and have some good food, because at the end of the day, food is what makes me happy and also my husband, by the way. So we both are foodies and we both like to eat, but at the same time we do try to maintain it a healthy balance. So agar hume sham ko ya raat ko thoda bahar se zyada khana hai, to hum din mein thoda sa light kha lenge aur thoda sa you know avoid karenge bahar ka, aur matlab thoda sa balance karne ki koshish karenge. Basically, so yeah, matlab even if I party, like it's my life and I share it with you all, doesn't mean that you can comment on it anything. Also, बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि मैं कहाँ काम कर रही हूँ. भाई मैं एक Q&A vlog डाल चुकी हूँ, आप LinkedIn पे जाके मेरी profile में मेरा नाम search कर सकते हैं, but I don't want to disclose my company name here. That's why you would not see my company name in my shorts also. I just show a part of my corporate life because I know that you all can relate to it and आप लोगों को भी थोड़ा सा office जाने का motivation मिलता है, तो इसीलिए मैं दिखाती हूँ और इसीलिए मैं अपना डे का लाइफ यू नो ये शेयर करती हूँ आप लोगों से. बट हाँ उसके अलावा मैं भी थोड़ा सा लिमिट करना चाहती हूँ. एक मेरी व्हाट आई ईट इन अ डे वाली वीडियो है, उस पर अजीब से आदमी है जिन्होंने कमेंट किया है दिस इज द रीजन व्हाई यू आर नॉट फिट आफ्टर डूइंग योगा एवरी डे, जस्ट किडिंग हा हा हा. एक तो पहले मतलब पूरा गंदा कमेंट कर दो और उसके बाद जस्ट किडिंग डाल दो और हा 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 डाल दो, मतलब क्या मैं क्या मानू क्या इससे. मैं क्या मानू. भाई कंट्रोल आपके हाथ में है, आपने यूट्यूब से बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए मेरी वीडियो को और बंद कर दीजिए और मत देखिए. टाटा बाय बाय. हाँ ओके एनीवे मेरी कॉफी जो है वो ऑलमोस्ट गर्म हो गई है. हस्बैंड आ गए हैं. बोलिए अब मुझे आवाज आ गई है इस बार. बोलिए. कुछ नहीं मैं तो ऐसे ही. मिस कर रहे हो तुम मुझे? नहीं नहीं मैं हवा को मिस कर रहा था. ओके विद दिस आई थिंक मतलब मैं थोड़ा सा एलिमेंट में आ गई अपने जो कॉमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए. आई जेन्युइनली डोंट अप्रिशिएट लाइक बैड मीन कॉमेंट्स ऑन माई चैनल. आई डोंट वॉन्ट दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑन माई चैनल. बट वो जो 5% लोग हैं ना, कहीं से हट जाओ या फिर सुधर जाओ. ओके अभी मेरे को बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि मैंने पंखा बंद किया हुआ था वीडियो शूट करने के लिए. कोल्ड कॉफी मेरी खत्म हो गई है, अब मुझे एक शूट करना है, तो पहले मैं वो करती हूँ और फिर उसके बाद मैं चिल मारने वाली हूँ. Shooting now. I have to quickly edit this. Also, ऐसे देख के लग रहा है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ. I wish हम कहीं जा रहे होते, but honestly बताऊँ तो मेरा मन नहीं है. मन है? तो चले 2:30 बजे वहीं पे जा रही है. Booking है. CP. This is my outfit. I got this T-shirt from Meesho for like 200. बल्कि मैंने Meesho से 1000 रुपए में 3 कपड़े मंगवाए हैं. Which is like, oh my god, I'm gonna upload a shorts. I just, you know, shot something for that abhi hi. And it's a collaboration, but then it, you know, gave me a chance to try out stuff from Meesho, which is pretty cool. And I'm wearing like these ripped jeans. और मैंने इसके साथ white shoes पहने थे और काफ़ी सही combination लग रहा था. I'm not much of like a crop top, but then I don't shy away from that also. So yeah, I can wear it once in a while. I don't mind. कमरे में क्या मस्त हवा आ रही है, इस पर्दे को खोल ही देते हैं. Oh, it's so nice. तो ये कुकी लगता है हमारा इनाम लिखा था, तो हम भी खाने वाले हैं. थोड़ा बहुत तो मैं भी खा रही हूँ. We'll be right back.
आई थी सो हम लोग आ गए हैं ऐसी गाड़ी में तफरी मारते मारते 32nd माइलस्टोन एंड दिस प्लेस इज लाइक ऑलवेज सो हैप कितना कुछ है यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे बबल टी के लिए आए हैं मैंने अभी ऑनलाइन देखा कि गोटी करके गोटी करके एक शॉप है सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड दैट एंड देन वी आर गोना हैव बबल टी फाउंड इट लेट्स गो बबल टी टाइम बहुत बहुत भीड़ है यहाँ पे तो अंदर है इट्स लाइक सो इतना क्या हुआ है थैंक यू टारू बबल्स ओके लुक इंटरेस्टिंग आई एम गोना गो विद वन लार्ज टारू पर्पल एंड वन कोरियन बनाना मिल्क बोथ लार्ज ऑर्डर इज हियर ओके लेट्स ट्राई मोबा इज मैचिंग माय टॉप काइंड ऑफ ऑर्डर आई एम ऑफिस ऑफ सेल्फ हियर यू आर योर I got the taro purple and it's pretty nice and निपुन की शक्ल ये पीके हो गई थी ऐसी बिकॉज ये इतनी मीठी नहीं है एंड yours is like Korean banana milk which is like quite मीठा हाँ Korean banana milk show बनाना चाहे इंडिया का होगा बट है तो वही ना एंड इसमें ऐसे बबल्स का इफ यू लाइक द फ्लेवर लाइक मैंने पहली बार एक बार पी लिया एंड आई लाइक इट सो दिस इज गुड नाइस लाइक इट ऑलराइट सो वी आर बैक होम आफ्टर आवर बबल टी डेट इट वाज नाइस बट आई थिंक इट वाज लाइक फॉर 350 और समथिंग एंड माय टोटल बिल वाज अराउंड 900 व्हिच आई थिंक इज नॉट वर्थ एट ऑल फॉर लाइक बबल टी एंड थोड़ा थोड़ा एंड में ऐसा लगा था यार ये बबल्स जो है बबल टी व्हाटएवर वो थोड़ा इरिटेटिंग लगने लग गए बट आई एम नॉट श्योर इफ आई विल हैव इट अगेन बट लेट्स सी यू गाइस कैन डेफिनेटली ट्राई मतलब ट्राई तो करनी बनती है कोई अलग चीज़ होती है नई चीज़ होती है ट्राई तो करना बनता है और उसके बाद बस हम लोग वापस आ गए और अब ऐसा लग रहा है कि कल फिर से ऑफिस है और कल तो खैर मेरी 9 बजे से ट्रेनिंग है 9 से 2 मेरी सेफ की ट्रेनिंग है विच इन केस यू डोंट नो लाइक इट्स स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क उसकी मेरी ट्रेनिंग है सर्टिफिकेशन है सो 9 AM टू 2 PM आई एम गोना बी सो बिजी एंड आई विल सी द मॉर्निंग आर गोइंग टू बी क्रेजी टुमारो आई ऑल्सो हैव टू गो फॉर अ वेडिंग फॉर माई गुड फ्रेंड तो वो देखते हैं कैसे करेंगे सुबह सुबह जल्दी उठ के अपना काम निपटाऊंगी क्योंकि रात को भी 8:30 तक मीटिंग है ओके आई विल सी व्हाट आई एम गोना डू आई एम नॉट श्योर प्रॉब्ली आई एम गोना व्लॉग दैट एज वेल आज तुम लोगों ने मेरी थोड़ी सी दिल से जो है निकल रही थी आवाज वो सुनी क्योंकि कभी कभी हो भी जाता है मतलब मन भारी हो जाता है और लगता है कि जब कमेंट्स पढ़ते तो लगता है कि यार मतलब क्यों लोग लिखते हैं ऐसी चीजें बट आई होप दैट यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस ब्लॉग दिस वाज लाइक अ आई डोंट नो नॉट शॉर्ट बट लॉन्ग बट यू नो जस्ट अ बिट ऑफ द ग्लिम्स ऑफ टुडेज डे आई होप यू ऑल एंजॉयड वॉचिंग इट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब ऑलरेडी फॉर लाइक लॉट्स ऑफ व्लॉग्स एंड लाइक शॉर्ट व्लॉग्स मिनी व्लॉग्स आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो बाय